बात है भाई साहब, जबरदस्त एकदम बटर में गश करके आग लगा दी आपने तो। होए 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 ओ होए 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 मजा आ गया यार। देखो पूरी मेल्ट करें। हाँ भाई, अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल खवाजी नजरात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको पता ही है ये सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पे घाट गोबर खाओ गली का। फर्स्ट पार्ट आपने देखा, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया माशाल्लाह। अब हम लोग हमारा सेकेंड पार्ट लेके आए ताकि वीडियो लंबा नहीं बने। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने आपको वहाँ पर पानीपुरी ट्राई कराया, बिना ब्रेड का सैंडविच ट्राई कराया, फ्रेंकी ट्राई कराई और बॉम्बे का जो फ्रूट है जो सिर्फ बॉम्बे में मिलता है तारगोला, वो हमने ट्राई किया। अब चलिए आगे चलते हैं अपन, अब आगे चल के बात करते हैं। तो साहब घाट गोबर की सेकंड पार्ट हमारा चालू हो गया। जैसे हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे डोसा ऑन फायर है, यहाँ पे डोसा भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मोमोज मैजिक, यार क्या बात है, मोमोज मैजिक हम लोग ट्राई करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी सैंडविच ट्राई कर लिया विदाउट ब्रेड वाला, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पानीपुरी ट्राई कर ली, हम लोगों ने फ्रेंकी ट्राई कर ली, अब क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे इनके मोमोज ट्राई करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था घाट कोपर में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जायके चेंज होते रहेंगे, नए नए जायके आपको मिलेंगे यहाँ पे मोमोज। और इस सब के साथ साथ में डेजर्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंगो क्रीम आपको यहाँ मिल जाएगा और भी बहुत सारे हैं। पहले हम लोग फर्स्ट सेकेंड पार्ट का फर्स्ट वीडियो हम लोग इनके मोमोज ट्राई करेंगे। भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं आप? सब ठीक है? हम लोग आपके यहाँ पहली बार आए हैं भाई साहब और हम लोग जोधपुर से आए हैं वीडियो बनाने के लिए। हम लोग आपका क्या मोमोज, मुझे क्या आप क्या स्पेशल खिलाएंगे मोमोज में? तंदूरी वाले बनाएंगे, तंदूरी मोमोज, ये इसमें आप ग्रिल करेंगे फायर में? चलो एक मोमोज लगाओ हमारे लिए अपना। और क्या लें भाई यहाँ पे? पिज्ज़ा, पिज्ज़ा शॉर्ट ट्राई करेंगे आपको, पिज्ज़ा शॉर्ट। ये भाई साहब मुझे कह रहे थे पिज्ज़ा शॉर्ट और इनके मोमोज, ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको घाट के ऊपर खाओ गली में आना पड़ेगा। और यहाँ पे मोमोज मैजिक वहाँ पे भी आ गए, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने सिर्फ वहाँ पे सैंडविच और वो सब बनाया। सेकंड पार्ट में आप मेरे जहाँ मैं कहूँ आपको वहीं खाना है यार, इससे हमारी मोहब्बत जो रहती है वो कायम रहती है। चलिए साहब सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे सर? चीज़ कॉर्न तंदूरी मोमोज ना, ये देखिए। ओए होए 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 भाई साहब ज़बरदस्त। क्या बात है भाई साहब ज़बरदस्त एकदम बटर में गश करके आग लगा दी आपने तो। ओए होए 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 एक नंबर भाई साहब, दिल खुश कर दिया यार। सेकंड पार्ट की जो हमारी जो स्टार्टिंग हुई वो वाकई में ज़बरदस्त हुई यार। देखो मोमोज देखो यार, आग लगा दी भाई साहब आपने तो। मोमोज ऑन फायर, तभी तो नाम रखा भाई साहब ने, सब चीज़ फायर में यार, या तो सब फायर में। क्वालिटी चेक करो यार। चलिए साहब इसको हम लोग ट्राई करते हैं, इसके साथ में चटनी कौन सी आएगी भाई साहब? मायो आएगा, तंदूरी मायो आएगा, हाँ मोमोज की चटनी, मोमोज की जो चटनी है देखिए, देखिए मायोनीज आ गई, मोमोज की चटनी आ गई और ये तंदूरी मायोनीज आ गई। तो आज सेकंड पार्ट का जो घाट गोबर की सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट वीडियो है वो वाकई में ज़बरदस्त बनने वाला है यार। आप देखिए कैसे भाई साहब ने मोमोज़ को तैयार किया, पूरी आग लगा दी, तभी तो मोमोज ऑन फायर नाम इन्होंने रखा है। यहाँ पे सब फायर ही फायर है, ट्राई करो भाई। हेलो मैडम, ज़रा नज़दीक आइए ना। मैं पहली बार प्लेन बिना चटनी का ट्राई किया है, इसमें अंदर जो फीलिंग है ना वो मुझे पता भी वगैरह ज़्यादा नहीं है, इसमें अंदर चीज़ और कॉर्न की फीलिंग है वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी, एकदम क्रीमी है और बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट फीलिंग है इसमें। और मुझे लग रहा है ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर बहुत सॉफ्ट है यार वाकई में। उसमें क्यों में पानी आने लग गया है, मुझे दिख रहा है उसमें मुँह में ऐसे पानी आ रहा है मुँह। कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात है, हम लोग ट्राई कर लें पहले ये। और साथ साथ में इन्होंने 3 टाइप की चटनी दी है, डिप्स दिए हैं इसमें, एक तो मायोनीज है प्लेन, एक तंदूरी मायोनीज है और एक है ये जो मोमोज के साथ में जो चटनी आती है उसको सालसा सॉस या शेजवान सॉस, मतलब वो ऐसी मिक्स होती है वाली वाली। चलो उसको ट्राई करते हैं। एक नंबर, एक नंबर
मजा आ गया। बॉम्बे मुझे एक बात क्या अच्छी लगती है, अगर आप स्ट्रीट फूड या काट की बात करेंगे तो जायका तो ज़बरदस्त है, और साथ साथ में जो ये साफ़ सफाई और जिस हाइजीन से ये लोग काम करते हैं ना बॉम्बे में स्पेशली, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। चलिए ये मैं चीज़ ट्राई करता हूँ, उसके बाद इनका जो पाँच शॉट होता है पिज़्ज़ा शॉट हम लोग ट्राई करेंगे। पिज़्ज़ा शॉट लगा रहे भाई साहब, देखिए इसका वेजिटेबल स्वीट कॉर्न चला गया, अनियन चले गए, शिमला मिर्च चली गई, ये क्या डाला भाई साहब ने, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस चली गई, क्या बात है भाई साहब, ज़बरदस्त। ग्रीन चिली टमाटो केचप अच्छा मुझे दिखा नहीं है, शेजवान सॉस चली गई, इसको पूरा मिक्स करेंगे हम लोग। होए 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 उन्ना, ये जो भी वेजिटेबल ने जो भी डाली इसको देखो पूरा इसको बर्न कर रहे हैं, पका रहे हैं इसको। ओहो हो भाई साहब क्या बात है यार, पूरा मसाला बना के भाई साहब इसको पानी पूड़ी में स्टफ करें, सॉरी पूड़ी में स्टफ करें, पानी तो है नहीं, पिज़्ज़ा शॉर्ट्स है, पानी पूड़ी हो जाएगा, हाँ पानी पूड़ी हो जाएगा, ये पिज़्ज़ा शॉर्ट्स हैं, पिज़्ज़ा पूड़ी कह सकते हैं इसको। यार ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको घाट के ऊपर खाऊगली माना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये चीज़ यही मिलेगी, और तो मैंने कहीं भी ट्राई नहीं किया अभी बॉम्बे में तो, और बॉम्बे कितना बड़ा है यार। थैंक यू सर। अरे भाई साहब मज़ा आ गया यार, देखो होए 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 होए, अब जो चीज़ है पूरी मेल्ट करेंगे, पूरा मेल्ट कर दिया भाई साहब, मज़ा आ गया। रेडी है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, पूरी इन्होंने चीज़ मेल्ट कर दी यार, ओ रे यार देखो, लाजवाब एक बार में शॉट, और मैं उसमें कह रही एक बार में, लेकिन अभी इतने अच्छे बने कि मैं बाइट लेने के आऊँगा ताकि जो फ्लेवर है ना उसका जायका ले सकूँ, लेकिन अब उसमें की फरमाइश है तो पूरी तो करनी पड़ेगी एक ही बार में। अब जायके की अपन बात करेंगे, जो पूड़ी है ना वो काफ़ी क्रिस्पी है, और अंदर जो उन्होंने जो पिज़्ज़ा की जो स्टफिंग की है और शेजवान सॉस जो उन्होंने यूज़ किए उससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो गया, और जो कॉम्बिनेशन है ना पिज़्ज़ा और पूड़ी का वो ज़बरदस्त जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अपना फ्यूजन क्रिएट करते हैं तो जायका चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत ही लाजवाब इन्होंने बनाया साहब। सेकेंड पार्ट में हमारा ज़बरदस्त जो वीडियोज़ था वो फर्स्ट वाला वीडियो बहुत ज़बरदस्त था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना हर एक स्टेप पे जो जायका है वो चेंज होता रहेगा। आप देखो कि सबसे पहले वो पानी पूड़ी वाले भाई साहब मिले थे, उनका नेचर इतना ज़बरदस्त था, उसके बाद सैंडविच हमने खाया, फ्रेंकी खाई, फिर हमने वो तारगोला भी आपको दिखाया, वो वाला वीडियो हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो हमने एक ही पार्ट में दूसरा पार्ट में सबसे पहले इनके मोमोज़ खाए यार, मोमोज़ जो थे ना वो वाकई में काफ़ी तारीफ थे। अब हम लोग आगे आए, देखिए जैसे जैसे माहौल सेट हो रहा है, इनका गोला भी यहाँ पर ट्राई करेंगे बाद में, मैं आ जाए भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर आ जाए, ये देखिए ताराचंद भगतचंद का भी ये काउंटर यहाँ भी आपको मिल जाएगा। मैंने मेरे को इनकी दाल बहुत पसंद है, दाल और रोटी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग आए हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड यहाँ पे ट्राई करने के लिए। ये चीज़ आपको खानी तो आपको कालबा देवी पे जाना चाहिए, मैं वहीं जाता हूँ हमेशा, और इनकी पापड़ की जो चूरी होती है ना वो वाकई में लाजवाब, और छाछ भी एक नंबर है यार। तो चलिए ये भी मैंने आपको बताया, ये शॉप भी आपको यहाँ मिल जाएगी, अब हम लोग जाएंगे यहाँ वेजिटेबल होंगे यहाँ पर आ जाए। ये देखिए अब हम लोग यहाँ आ गए, ये मुझे कोई डिफरेंट लग रहा है, वेजी अड्डा के नाम से इनका है,
प्योर जैन फूड आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या क्या रखते हैं हम यहाँ पे, बेस्ट चीज़ क्या मिलेगी? हम लोग जोधपुर से आए हैं खाना खाने खाने के लिए। बेस्ट अफगानी है, अफगानी मोमोज, नहीं सॉरी वो अफगानी क्या, सोया चाप लगाएंगे, लगाए एक अफगानी चाप लगाए। ये देखिए पूरा इनका यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं, तो अब हम लोग इनकी सोया चाप ट्राई करेंगे। ये देखिए अफगानी सोया चाप, और इनका सिगड़ी में देखिए ये चाप रोस्ट कर रहे हैं भाई साहब। अपनी यहाँ पे ये कितने प्रकार की चाप में मिलती है कुल मिला के? अफगानी चाप होगा, हाँ हरियाली चाप हो जाएगा, हाँ और एक मलाई चाप हो जाएगा, मलाई चाप हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी यही चलती है ना अफगानी। ये कितने का है भाई साहब? 160 का पड़ेगा। कितने पीस आएंगे इसमें? 6 पीस आएंगे। तो हम लोग हैं इनके यहाँ पे वेजी श्री वेजी अड्डा के नाम से, फोटो खींचता हूँ मैं ना। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्प्ले में लगाया हुआ, देखिए ये कौन सी भाई साहब? ये ये पनीर है, ये बीच में बेबी कैन आलू, मशरूम्स जी, मशरूम है ज़बरदस्त। ये देखिए धीरे धीरे करके ये जो चाप है वो रोस्ट हो रही है हमारी, और सारे जो हमने आइटम खाए ना उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल है, मतलब 130-150 के बीच में आपको एक एक प्लेट मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिगड़ी पे ग्रिल होके फिर ये तवे पे लेके आए इसको चाप को, और यहाँ पे इसको वापस से कुक करेंगे। देखिए देखिए प्याज व्याज सब लहसुन और सब चलेगा हमारे। ये देखिए अब जो सोया चाप का जो मैरिनेशन था ना अफगानी का, उसमें इन्होंने प्याज शिमला मिर्च टमाटर और ऊपर से बटर यूज़ किया है। क्या बात है भाई साहब, देखो माहौल सेट हो रहा है पूरा घाट को पर खाओ गली का। हम लोग आए थे जब धूप थी, अब देखिए अब माहौल सेट हो गया पूरा बाबू, क्या बात है। और ठीक है डाला भाई साहब ने, अफगानी का मसाला भी चला गया इसमें, थोड़ा मुझे बोल के डालो यार बता रहेगा मुझे। ओए होए होए होए, ये कितने की भाई साहब? 160 में गज कर दिया बाबू, जोरदार। ज़बरदस्त भाई साहब, पहले मुझे खिला देंगे दो दोस्त माँ। भाई साहब ने अपने मोहब्बत से वो सॉल्ट बे वाली स्टाइल कर दी यार, इसको ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया। सोया चाप के साथ में आपको हमस की चटनी और ग्रीन चटनी मिल रही है। हमस की चटनी हमारे यहाँ पे तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे मिलती है, तो ये हम लोग ट्राई करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा मेरे लिए जायका। चलिए ट्राई करो भाई, ट्राई करो, जबरदस्त यार। ऐसा जोधपुर में मिलते ही नहीं, मुंह में जाते चाप एकदम घुल रही है। चलिए साहब मैं भी ट्राई करता हूँ उसको, ये आ जाए साहब। यार हमस की चटनी मैंने ऐसी खाई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई यार, जायके जो आ रहे हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त थे। और साथ साथ में जो सोया चाप, चाप का ये होता है कि अगर ये परफेक्टली कुक नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता है। इन्होंने सबसे पहले तो उसको ग्रिल किया, उसके बाद तवे पे सब मसाले डाल के, वेजिटेबल डाल के, बटर क्रीम सब डाल के बहुत ज़बरदस्त बनाया। सब जो मसाला है ना वो चाप पे रैप हो गया, देखिए पूरी रैपिंग पूरा कोट हो गया। इससे क्या है कि जायका और ज़्यादा बढ़ गया, और साथ साथ में हमस की चटनी लाजवाब। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको घाट के ऊपर स्ट्रीट पर आना पड़ेगा खाओ गली में, जो कि इनकी जो लोकेशन है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप सीधा यहाँ पहुँचे। ये घाट के ऊपर ईस्ट में माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त ला। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, यहाँ के जो ओनर है ना वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे नवाजा। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो खाने के साथ साथ में इनका जो नेचर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। हमारे ये सेकेंड पार्ट का भी ये लास्ट वीडियो, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं यहाँ, और सबके जायके जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे ना सबके जायके एकदम टोटली डिफरेंट है। अब हम लोग तो हैं राजस्थान से, और लास्ट में जाके अपने को खींचा चाहिए। तो यहाँ पे मुझे खींचे का काउंटर भी मिल गया है, जो भाई साहब ने कहा, मैंने पहले सोचा था कि एक ही लूँगा, लेकिन भाई साहब ने कहा कि मैं आपको चीज़ वाला भी खिलाऊँगा और जो प्लेन है इनका वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये हम लोग आ गए अब लास्ट में घाटकोपर की जो स्ट्रीट है वहाँ पर, ये इनका नाम क्या भाई? विजय खींचा पापड़ सेंटर। ये देखिए तो
यहाँ मुझे लग रहा है यार एक ही जगह है जो जहाँ पे खींचे मिले। चलिए पीछे चलते हैं, भाई साहब से बात करते हैं और देखते हैं ये खींचे कैसे बनाते हैं। आ जा ये देखिए, ये लीजिए भाई साहब का। सो भाई साहब का देखिए यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे माशाल्लाह क्या बात है। भाई साहब क्या नाम है सर आपका? महेंद्र जी, विजय। अच्छा आपके नाम से है क्या ये? तो हम लोग आपके दो टाइप के खींचे ट्राई करेंगे जैसा आपने मुझे बताया था, एक तो प्लेन खींचा लेंगे और एक आपका चीज़ वाला ट्राई करेंगे। ठीक है आप लगाए जब मुझे बताना ना। ये देखिए अंगेठी एकदम अपने शवाब पे आ रही है यार, देखिए क्या सेकेंगे एकदम फ्रेश आपके लिए। सिगड़ी एकदम गर्म हो गई है और हमारा जो खींचे है दो खींचे हमने ऑर्डर किए हैं। पहले भाई साहब को रोस्ट करें कि इनकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होगी, तभी तो यहाँ पे इतने 15 साल हो चुके हैं। ज़बरदस्त ये हमारा बन रहा है भाई साहब, चालू हो गया। ये देखिए ये दोनों हमारे, क्या बात है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। सब अलग अलग लगेंगे ना। ये देखिए अमूल बटर चला गया, ये ये दोनों हमारे साथ लग रहे हैं, एक प्लेन वाला एक चीज़ वाला है मेरा। ये क्या गई भाई साहब, मिर्ची। ग्रीन चटनी लाजवाब। ये क्या लहसुन टमाटर की चटनी, आपने खुद ने बनाई भाई साहब, क्या बात है यार। फ्लेवर्स आप चेक कर दो, ग्रीन चटनी चली गई, लहसुन की चटनी चली गई, इसमें वेजिटेबल चले गए। ये देखिए एक नंबर, जैसे हम बॉम्बे में हर चीज़ में एक नंबर, क्या बोलती है पब्लिक। ये चाट मसाला है, मज़ा आ गया भाई साहब। अभी तो मैंने खाया नहीं, उससे पहले ही मैं देख रहा हूँ जैसे आपकी कस्टमर बेस है बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत इसमें टैंगी फ्लेवर भी दे दिया नींबू का, अब जाएगी इसमें प्रोसेस चीज़। ये देखिए चने की दाल, ये देखिए कोरिएंडर, अरे क्या बात है, कच्ची कैरी भी चलेगी इसमें, क्या जायका आने वाला है यार। बस लाजवाब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा चीज़ वाला आ गया, लो भाई इसको, और ये हमारा जो प्लेन वाला है वो। और आप ये दोनों में मेरे को इतना ज़बरदस्त जायका नज़र आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। सबसे अच्छा क्या है, सारे फ्लेवर्स तो हैं लेकिन जब कच्ची कैरी इसमें डालते हैं ना, जैसे वो चने की दाल के साथ में जो जायका आता है ना, इसके साथ भी वो कमाल होने वाला है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद आपसे बात। तो हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल घाटकोपर में, जैसे आपको बताइए, और सेकेंड जो पार्ट चल रहा है वो हमारा इतना मज़ा आ रहा है कि आप क्या बताऊँ। और साथ साथ में आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, जैसे आपने बताया फर्स्ट पार्ट में, उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, थैंक यू सो मच। अब हम लोगों का सेकंड पार्ट में ये लास्ट वीडियो था, और फिर ये घाटकोपर की जो खाऊगली का जो सीरीज़ है वो हम लोग ख़त्म करेंगे। नहीं मज़ा आया कि नहीं आया भाई? ज़बरदस्त मज़ा आया, ज़ोरदार। चलिए इसको ट्राई करते हैं भाई। लो ओ रही रो, कैसा भाई? ज़बरदस्त है, क्रिस्पी भी है, फ्लेवरफुल भी है, और जो कच्ची करी का जो टेस्ट आ रहा है ना वाकई में यार। और अब मैं चाय करता हूँ इनका चीज़ वाला, ज़ोरदार यार। सबसे बड़ी बात जो खींची है वो काफ़ी क्रिस्पी है, और साथ साथ में इन्होंने जो लहसुन और टमाटर की जो चटनी जो यूज़ की है उससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ गया यार, वाकई में लाजवाब। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको घाटकोपर खाऊगली में आना पड़ेगा। चलिए इसी, और हम लोग सिगड़ी पे आपको पास्ता बनते हैं बताएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप के पास्ता मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे कहा आप मिक्स सॉस पास्ता लें, जो कि हमारा बहुत ज़बरदस्त है,
और ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे टोटली डिफरेंट लगा, क्योंकि मैंने अभी तक जोधपुर या कहीं भी मैंने सिगड़ी पे पास्ता बनते हुए नहीं देखा है। तो चलिए सर से बात करते हैं और देखते हैं, इनका मेन्यू दिखाते हैं मुझे। ये देखिए WTC पास्ता के नाम से इनका पास्ता का काउंटर यहाँ पे, पास्ता मैक्रोनी मिल जाएगा आपको, पहने पास्ता वैरायटी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे कॉर्न वैरायटी मिल जाएगी। हम लोगों ने इनका रेड एंड वाइट मिक्स सॉस पहने पास्ता लिया है, ये हम लोग ट्राई करेंगे। अब ट्राई करने का तो ये मतलब होता है, आपको लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग बस टेस्ट करते हैं और पैक कराते हैं, फिर हम लोग जो उसका या तो घर पे खाते हैं या फिर हम लोग किसी को दे देते हैं। चलिए देखते हैं, सर से बात करते हैं और हम लोग ऑर्डर करते हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे आप सब? ठीक है। अभी हम लोगों ने आपका ये देखा, एकदम टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक तो मुझे बताएंगे, जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए, आपने मुझे कहा था कि आपका मिक्स सॉस पास्ता मुझे देंगे, उसके अलावा अगर किसी को मिक्स सॉस पास्ता नहीं चाहिए तो जो सबसे ट्रेंडिंग है वो अपना कौन सा पास्ता सर यहाँ पे? व्हाइट सॉस, पिंक सॉस, सारे, मतलब जो एक तो व्हाइट सॉस हो गया, एक पिंक वाला हो गया और एक जो मैं मिक्स वाला लूँगा वो। तो हम लोगों के लिए सर आप वो मिक्स वाला आप एक बार बना दें। वेजी चलेगी, देखिए वेजी चलेगी सारी, इसमें स्वीट कॉर्न चला गया और शिमला मिर्च, ब्रोकली चली गई, क्या बात है यार, ऑलिव ऑयल, क्या बात है, ज़बरदस्त ऑलिव ऑयल में बन रहा है भाई पूरा, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। ब्रोकली चली गई इसमें, तो फिर इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है। मतलब टोटली डिफरेंट यार, अगर आप जो स्ट्रीट फूड की बात करेंगे ना, देखिए भाई साहब दिखाएं मुझे, दिखाओ ना, ये देखिए इनकी वाइट सॉस है, ये रेड सॉस है और ये इनका देखिए पास्ता इन्होंने बॉईल करके रखा हुआ, ये दिखाओ भाई साहब ये वाला, होए 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 भाई साहब ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं और वो भी एकदम काट यहाँ की, देखो उनके एकदम स्ट्रीट फूड पे। ये देखिए हमने पहने पास्ता चला गया, जो भी इन्होंने वेजिटेबल डाली थी वो इन्होंने ऑलिव ऑयल में पूरी टॉस कर दी है और उसके बाद फिर इन्होंने पास्ता डाला ताकि जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये क्या क्या डाला भाई साहब आपने? मसाला, व्हाइट पेपर, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, क्या बात है, दोनों सॉस से चली गई, ये इनकी जो रेड सॉस वो चली गई, ये इनकी वाइट सॉस चली गई, देखिए जो ऐसा आपको मैंने दिखाया, मज़ा आ गया भाई साहब ज़बरदस्त। अब इसमें जाएगा अमूल क्रीम, वाह साहब वाह, पूरा इन्होंने अमूल क्रीम में गज कर दिया यार, देखो कितना क्रीमी नज़र आ रहा है, देखो पास्ता, ये देखिए ये क्रीमी मिक्स सॉस पास्ता हमारा रेडी है, ये देखिए ज़बरदस्त जोरदार। अब इसमें जाएगी चीज़, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई साहब, रेडी। तो अब हम लोग क्या नाम है, WTC नाम याद कर लेना, WTC, हाँ ठीक है साहब। अब हम लोग घाटकोपर के WTC पे हैं और इनका जो ज़बरदस्त मिक्स सॉस पास्ता है वो हम लोग ट्राई करेंगे। अब मुझे पहले थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, लेकिन जैसे इन्होंने पूरा ऑलिव ऑयल में बनाया और जो इन्होंने जो वेजिटेबल जो यूज़ की वो सब प्रीमियम क्वालिटी की थी, साथ में जो इन्ग्रीडियंट्स उन्होंने यूज़ किए वो भी एक नंबर थे। चलिए इसको ट्राई करते हैं, ओए होए होए कितना क्रीमी यार, देखो लाजवाब, मज़ा आ गया यार, काफ़ी क्रीमी है, काफ़ी गर्म था। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, जो पास्ता है ना वो आप चेक करो, इन्होंने एकदम परफेक्टली इसको बॉईल किया। कभी कभी क्या होता है कि अगर उसको ज़्यादा बॉईल कर देते हैं वो पूरा बिखर जाता है या कम करते हैं तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन एकदम परफेक्टली पास्ता बॉईल है। साथ साथ में इन्होंने जो ऑलिव ऑयल से इसको पूरा बनाया उससे इसका और जायका बढ़ गया है। चलिए ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, घाटकोपर हम लोग खाऊगली में, और इनका नाम है WTC इटालियन फास्ट फूड। चलिए ये पूरा ख़त्म करते हैं।